आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। एमपी अजब है और भ्रष्टाचार गजब है, ये हम नहीं कहते हैं बल्कि प्रदेश की जमीनी हकीकतें चीख चीख के इनकी गवाही दे रही हैं। प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई विभाग हो जिसमें आकंठ भ्रष्टाचार ना हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ज़रूर बीच बीच में उछल कूद करके अपने आप को देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की लबालब गंगोत्री बह रही है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सब मिल करके डुबकी लगा रहे हैं। ताज़ा मामला तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत नकेला के लोधनपुरवा गाँव का है, जहाँ गाँव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पदस्थ कार्यकर्ता राजकुमारी मिश्रा के द्वारा बीते 3 महीने से आंगनबाड़ी केंद्र का ताला ही नहीं खोला गया, जिसके कारण जहां बच्चे पोषण आहार से वंचित हो रहे हैं तो वहीं ग्रामीण महिलाओं को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बच्चा पढ़ता है आंगनवाड़ी केंद्र में? नहीं पढ़ता, आ नहीं रही तो क्या पढ़ाएं? आ नहीं रही तो इसलिए आप पढ़ा नहीं रहे। पंजीरी मिलती है आपको? नहीं मिलती है, 2-3 महीने में एक बार आती है तो बची तो दे देती है, नहीं बची तो कहते तो दूसरे बार मिलेगी। मतलब अभी ऐसा भी है कि अगर आती हैं तो खुलता है केंद्र, अगर नहीं बची पंजीरी तो नहीं बांटते हैं, दोबारा बोलती है? हाँ बोलती है, दोबारा देंगी। क्या नाम है आपका? सुधा सिंह। रिकॉर्ड जमा करती हैं आपने? हाँ। तो अभी तक पैसा नहीं आया? नहीं। कितने महीने हो गए आपको? मतलब वाला मिल गया पहले वाला, दूसरा का पूछा रिकॉर्ड जमा करा लिया तो अब नहीं मिला था। नहीं मिलता है पैसा? रिकॉर्ड जमा कर दिए थे आप? रिकॉर्ड नहीं लीने उनका थे, अब ना ले रिकॉर्ड लौटा देते। कौन लौटा दिया है? आंगनबाड़ी वाले। क्या नाम है आपका? सरमन। ये चाहते हैं कि यदि आंगनबाड़ी खुले तो ठीक है, यदि नहीं खुलना तो यहाँ की बंद कर दीजिए। वैसे लगभग कितने दिनों से आंगनबाड़ी नहीं खुला आपके? ये तो ये पब्लिक बता रही है कि 3 महीना, मुझे तो लगता है कि 2-4-6 महीना हो गए। यहाँ एक बार आए थे तो मैं अभी देखा हूँ, तो उनसे बोली थी कि यहाँ आंगनबाड़ी क्यों नहीं खुलाती हो, तो वो बोलती थी कि हमारा 5,000 तनख्वाह मिलता है, 5,000 में हम क्या करेंगे, हमारा गाड़ी का किराया लग जाता है, कौन देता है? तो कहाँ रहती है वो? तो गाड़ी किराया लग जाता है, वो बोलती है, वो रहती है सतना में। तो हम कहा मैडम जी ऐसा करेंगे तो हमारे यहाँ की पब्लिक मन नहीं जाएगी। तो कह रहे थे कि हम क्या करें, शासन से सुनाओ जाकर। हम कहा शासन से किससे सुनाए जाए, आप ही है तो आप ही से सुनाएंगे, यहाँ आती है तो आपकी आपको सुनाते हैं। तो कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जिससे कहना हो तो कह सकती है, हमारा 5,000 में पूर्ण नहीं पड़ता। तो फिर ये हमारे यहाँ का यह हो गया कि हमारे गांव में महिलाएं पढ़े लिखे हैं, यदि बंद कराई जाए, हम भी अपने यहाँ की महिलाओं का कुछ कार्यक्रम में लगाया चाहते हैं कि अब वहाँ का बंद किया जाए, हमें काट दिया जाए, हम जोड़ना नहीं चाहते इनकी हमारे में जुड़ा रहा। आप चाहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र खुले या तो वरना बंद करा दिया? हाँ, बंद करा दिया जाए, मैं हमारा कहना यह है। सब हमारे गाँव के लोग, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी लोधनपुरवा है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है जो कि किराए के मकान पर संचालित है। तो जो राजकुमारी मिश्रा है, मैं भी यहाँ से वार्ड पंच हूँ, वार्ड नंबर 15 का नकेला पंचायत से। तो हम इसी गांव का, मैं भी हूँ इसी लोधनपुरवा का। हमारे यहाँ ये दशा है, किसी का पैसा, जैसे पैसा है मातृवंदना का आता है 5,000 रुपये, वो नहीं आ रहा। अगर हम कहते हैं भैया कि फार्म जो है हमारा ले लीजिए, तो कहती है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जब आऊंगी तो फोन कर लूंगी। किसी का लाड़ी लक्ष्मी का है, वो भी निकाम करवाती है। आखिर ये करने पैसा किस लिए पाती है साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ। काम का पैसा पाती है? काम करवाती है तो कम से कम काम करे हमारे यहाँ का करके। ये गरीब जनता है, भोली भाली बिचारी, कहीं जाने लायक नहीं है, है तो अब बताइए, ये हाल है। जब आज ये हाल है तो आगे क्या ना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र लगभग कितने दिनों से नहीं खुला? अब आंगनबाड़ी केंद्र सर जी कम से कम 3 महीने से लगभग नहीं खुला है। 14 से लड़का के भाई के नहीं मिला। अभी इनका 1400 रुपया जब आता है, 1400 रुपया इनका भी नहीं आया है, चाहे जिस विभाग से हो लेकिन इनका पैसा नहीं आता है। अब जो कहते हैं इनका, तो बोले हम दे दिया रिकॉर्ड, आखिर है क्या साहब, पूछना चाहते हैं हम, हमको जवाब देना। अभी जैसे कि यहाँ पे दलिया है, खिचड़ी है और पंजीरी है, ये सब वितरण होता है यहाँ पे कि नहीं होता? जब आती नहीं है तो कहाँ से वितरण हो? किसी के माध्यम से वितरण कराते हैं? वितरण कहीं कुछ नहीं कराती है, मेरे गांव के लोग हैं, इनसे पूछ ले जाए पहले एक बार। वैसे रहती कहाँ है आंगनबाड़ी? सर जी है नकेला की प्रॉपर जी, लेकिन सतना में रहती है। बोल रहे हैं कि मेरे